ये मॉडर्न डे मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हम जितना चीज़ हम लोग सीखते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, सब मैथमेटिक्स है फॉर फिजिक्स। इनफैक्ट सारा टूल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक टूल ये भी है, जैसे मान लीजिए एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो अननोन एक्स और वाई, हम इक्वेशन ऐसे लिख रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 9, x माइनस 5y बराबर 11। हम कहेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x, y का वैल्यूज निकालिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है द कोएफिशिएंट्स, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इक्वेशन जो लिखा गया है वो अनइम्पॉर्टेंट है। या x के जगह हम u लिख दें, y के जगह v लिख दें, तो भी द सॉल्यूशन रिमेंस द सेम। यानी इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ इन नंबर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं कि आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें, तो आपका सारा ध्यान होगा इन कोएफिशिएंट्स पे, इन्हीं नंबर्स पे, 2, 3, 1, माइनस 5, 9, 11, इन्हीं नंबर से मतलब है आपको। यानी हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं उस भविष्य के लिए जिसमें हम सिर्फ आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोएफिशिएंट्स देंगे, बस इतना ही। आप कहेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ दें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देते हैं कि इसको सॉल्व कीजिए, 5x² - 3x - 2 = 0, इस इक्वेशन में महत्व सिर्फ इन नंबर्स का है जो कोएफिशिएंट्स है, 5 - 3 - 2। हम सिर्फ इतना ही देंगे कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके बताइए 5 - 3 - 2। अगर हमको कंप्यूटर में डाटा डालना है, नंबर्स डालें, अब हमको सॉल्यूशन रिटर्न करे, तो हम उसको इक्वेशन ऐसे लिख करके थोड़ी बताएंगे, हम केवल कोएफिशिएंट्स बताएंगे और वो हमको जवाब में सॉल्यूशन दे देगा। कोई भी डेटा जब कंप्यूटर में डालते हैं तो वो डेटा एक इक्वेशन के रूप में नहीं होता है, सिर्फ नंबर्स के रूप में होता है। अगर हम नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करके लिखें, जैसे 2, 3, 4, 5 - 1, 6, 9, 2, 11, और दो लंबा डंडा पार दें, हम यहाँ पे 9 नंबर्स लिखे हैं बोर्ड पे, अरेंज्ड इन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, और दो लंबा डंडा पार दिए हैं। इस तरह से हम नंबर्स अरेंज करके लिखेंगे, दो लंबा डंडा पार देंगे, इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का शक्ल हमेशा स्क्वायर होगा, यानी रोज और कॉलम्स का संख्या हमेशा बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम इस तरह से डिटर्मिनेंट को लिख दें, 2 रो और 3 कॉलम, देखने में रेक्टेंगल लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट हमेशा हम एक्सप्रेस करेंगे एक स्क्वायर के रूप में। यानी अगर 3 रोज दिख रहा होगा तो निश्चित रूप से 3 कॉलम ऑफ नंबर्स दिख रहा होगा, अगर 2 रो दिख रहा होगा तो निश्चित रूप से 2 कॉलम दिख रहा होगा, 4 रोज 4 कॉलम्स। हम लोग इस तरह के डिटर्मिनेंट को बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, या सिर्फ 2x2 डिटर्मिनेंट बोलेंगे, लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे 2x2 डिटर्मिनेंट। और इस तरह के डिटर्मिनेंट को बोलेंगे 3x3 डिटर्मिनेंट, या बोलेंगे 3rd ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर 6th ऑर्डर। 6th ऑर्डर बोलेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, यानी कुल मिलाकर के 36 एलिमेंट्स बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। सभी नंबर्स को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये भी एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इस तरह से एक 3rd ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कुल 9 एलिमेंट्स होगा, 3 times 3। एक 2nd ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट्स होगा, 2 times 2। एक 5th ऑर्डर डिटर्मिनेंट में टोटल 25 एलिमेंट्स होगा। nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट में n² नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा।